नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। मैं लेकर आज एक और वीडियो, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक था जिसमें हमने बताया था कि रशिया ऐसा प्लान कर रहा है कि वो अपने फ्यूचर के जो भी क्रूज मिसाइल्स होंगे उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर प्रोपेलेंट का यूज करने जा रहा है। और इस रिएक्टर को लेकर ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि रशिया इस रिएक्टर टेक्नोलॉजी में यूरेनियम मेटल का यूज कर रहा है जो कि यूरेनियम 235 होगा। और इसी को लेकर ऐसा बताया जा रहा था कि वो यूरेनियम 235 के जो रिएक्टर है उसको मिनेजराइज करने की कोशिश कर रहे थे, और जिसकी वजह से उनका जो एक्सीडेंट हुआ था और रिएक्टर बस्ट कर गया था और उसमें 7 साइंटिस्ट की जान गई थी। तो इसको लेके एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और उस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स मिले हैं वो जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन की थी जिसके अकॉर्डिंग रशिया एक सॉलिड बेस्ड न्यूक्लियर प्रोपेलेंट रिएक्टर को मिनेजराइज करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी वजह से जो रिएक्टर है वो बस्ट कर गया होगा। तो ये एक स्पेकुलेशन थी, लेकिन अब इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो एलिमेंट मिले हैं, जो ट्रेसेस मिले हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर का एक दूसरा फॉर्म है जिसे रशिया मिनेजराइज करने की कोशिश कर रहा था। और इस तरह के रिएक्टर को फ्यूचरिस्टिक रिएक्टर के रूप में देखा जाता है, और ये रिएक्टर्स हैं आपके मोल्टन सॉल्ट थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी रशिया यूज कर रहा था और उनको मिनीचराइज करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर हाल ही में मिले ट्रेसेस को आप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट से कंपेयर करो जो उन्होंने 2018 में दिया था, तो उनका मानना यह था कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी अचीव कर ली है या फिर उसके काफ़ी क्लोज हैं जो कि जो भी उनका न्यूक्लियर सबमरीन है और उनमें जो रिएक्टर्स लगे हैं, तो उनका जो न्यूक्लियर सबमरीन है ब्री, उसमें जो रिएक्टर लगा है वो तकरीबन 190 मेगावाट पावर जनरेट करने में सक्षम है, और उस रिएक्टर का जो वेट है वो आपके 1050 टन के अराउंड है। तो व्लादिमीर पुतिन का मानना ये था कि उन्होंने एक ऐसी रिएक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो कि 100 टाइम लाइटर है उनके ब्री सबमरीन में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर से, और वो मिनीचराइज रिएक्टर उतना ही पावर जनरेट करने में सक्षम है जितना कि वो सबमरीन में लगा जो मेन रिएक्टर है वो करने में सक्षम है। तो यानी कि जो नया रिएक्टर डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा वो 10 से लेकर 11 टन का रिएक्टर होगा, लेकिन जो उसके पावर जनरेशन है 200 मेगावाट तक की बताई जा रही है। तो जिस तरह के ट्रेसेस मिले हैं इस टेस्ट साइट से, तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये रिएक्टर किस तरह का है और किस तरह से काम करता है। और बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि इस रिएक्टर में जो रशियन साइंटिस्ट है वो ऐसा प्लान कर रहे थे, वो ऐसा टारगेट कर रहे थे कि वो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर को इंटीग्रेट कर पाए आपके जो सुपर क्रिटिकल CO2 बेस्ड टर्बाइंस होते हैं उनसे। अगर ऐसा वो करने में सक्षम हुए हैं तो वाकई में इसका जो वेट होगा इस रिएक्टर का वो 100 टाइम्स कम होगा जो भी आपके सबमरीन में लगे रिएक्टर्स होते हैं उनके कंपेयर में। और अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर उन्होंने वाकई में अचीव कर ली है तो ये फ्यूचर के लिए भी एक आप कह सकते हैं ब्राइटर प्रोस्पेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ये मॉडर्न साल्ट बेस्ड इंटीग्रेटेड CO2 रिएक्टर्स होते हैं, वो कैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सेफ है। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर सब्सक्राइब करें, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, तीन तरह के न्यूक्लियर फ्यूल्स ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, जैसे कि थोरियम 232, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो इसमें से जो आपका थोरियम और यूरेनियम 238 है, इनको कन्वर्ट किया जाता है एक एक्टिव या फिर क्वालिटी वैल्यू में। जैसे कि थोरियम का यूज करने के लिए इसको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया जाता है, और वैसे ही यूरेनियम 238 को यूज करने के लिए इसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कन्वर्जन कैसे होता है हम अपने पिछली वीडियो में इसमें बात कर चुके हैं, जहाँ पे एक न्यूट्रॉन को स्लो स्पीड में इनके पास छोड़ा जाता है और ये उस न्यूट्रॉन को पकड़ लेते हैं। वहीं पर अगर आप बात करते हो यूरेनियम 235 की, तो ये सबसे प्योरेस्ट यूरेनियम है जिसका यूज डायरेक्टली किया जाता है बिना किसी कन्वर्जन के। लेकिन जो इस प्रकार के यूरेनियम की मात्रा है इस प्लेनेट पे वो बहुत कम है कंपेयर टू बाकी के दो। अगर आप रेशियो में देखते हो तो 4 हिस्से में से इस प्लेनेट पे 3 हिस्सा थोरियम है और 1 हिस्सा आपका यूरेनियम है। तो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है इनके एग्जिस्टेंस का। तो जो रशियंस जिस रिएक्टर को मिनीचराइज कर रहे हैं और जिसे अपने क्रूज मिसाइल में यूज करने की प्लानिंग से उसे डेवलप कर रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन वो सुपर क्रिटिकल CO2 टर्बाइन सिस्टम से करके करना चाहते हैं, और इस पूरे सिस्टम को उन्होंने नाम दिया था इंटीग्रेटेड मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। तो बेसिकली जो मेजर कंसर्न था, जो हमारे पहले वीडियो में जो पहला सिस्टम था जिसे हमने एक्सप्लेन किया था कि उसमें जो मेजर कंसर्न है वो यूरेनियम मेटल का रेडिएशन है, जिसे कि वो डिफरेंट डिफरेंट रूप में निकालता है, चाहे वो अल्फा बीटा या फिर गामा रेज के रूप में हो, जिसमें से जो गामा रेडिएशन होता है काफी हानिकारक होता है। वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ बात करते हो थोरियम बेस्ड रिएक्टर की, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर की, तो इसमें क्या होता है जो ज्यादातर रेडिएशन होते हैं वो अल्फा पार्टिकल के होते हैं, तो वो उतने थ्रेट के रूप में कंसिडर नहीं किए जाते हैं एज कम्पेयर टू गामा रेडिएशन। तो इसलिए
उस लिहाज से भी थोरियम को प्रीफर किया जा रहा है और वहीं पे जो थोरियम है वो इजीली अवेलेबल है और एक अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल है। तो बात करते हैं किस तरह से थोरियम बेस्ड आपके जो मोल्टन रिएक्टर्स हैं उनको मिनिचराइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा थोरियम है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, वो यूरेनियम 235 से क्वालिटी वाइज लेस पोटेंट है, जिसका मतलब यह है कि इसके अंदर के जो न्यूट्रॉन है उनकी जो पॉसिबिलिटी होती है किसी दूसरे न्यूक्लियस को ब्रेक करने की वो बहुत कम होती है। मतलब उनके न्यूट्रॉन बहुत कम स्पीड से चल रहे होते हैं। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एक न्यूट्रॉन को दूसरे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए तो जो 20,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है वो उसके पास होनी चाहिए। तो इस तरह के फ्यूल में, यानी कि थोरियम बेस्ड फ्यूल में, जो इनके न्यूट्रॉन की स्पीड होती है थर्मल स्पेक्ट्रम में वो बहुत कम होती है। लेकिन वहां पे भी एक एडवांटेज होता है, जैसे कि अगर कोई न्यूट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ के उसके बाकी के सराउंडिंग में जो भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा है तो उस न्यूट्रॉन का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, जिसका मतलब ये है कि वो बाकी के जो भी आसपास न्यूक्लियस हैं उनसे अपने आप ही टकराएगा। लेकिन जब आपके न्यूट्रॉन के पास स्पीड ही नहीं होगी और साइज बड़ा होगा तो वो टकराएगा नहीं, दूसरे न्यूक्लियस के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपका जो फ्यूल है वो वेस्ट होगा, आप फ्यूल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया गया, जो भी ये न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड बढ़ा दी गई ताकि वो न्यूक्लियस से जल्दी जल्दी टकरा के टूटे। लेकिन इस मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में क्या होता है, जैसे कि आप सभी रिएक्टर में देखते होंगे, एक ग्रेफाइट ट्यूब में आपके यूरेनियम 235 होते हैं और उस ग्रेफाइट ट्यूब के अराउंड वाटर होता है और जैसे ही फिशन इनिशिएट होता है आपके इन सभी पाइप्स में तो वो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ये वाटर्स आपके लेके चले जाते हैं, जिसे हीट एक्सचेंजर में एक दूसरे वाटर के साथ वो हीट एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद वो सारी हीट स्टीम के फॉर्म में टरबाइन पे जाती है और फिर आपकी एनर्जी बनती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब जो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स है इनमें क्या होता है, अगर आपको इस रिएक्टर से एनर्जी चाहिए सिविलियन यूज के लिए तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आपके जो पाइप्स है वो यही रहेंगे, लेकिन इन पाइप में रखे जो फ्यूल है वो आप थोरियम फ्यूल यूज कर लोगे। बट जो इस पाइप के अराउंड आप पहले वाटर यूज कर रहे थे, अब आप इस पाइप के अराउंड मोल्टन सॉल्ट यूज कर सकते हो, जिसमें जो मोल्टन सॉल्ट है वो बेसिकली एक सॉल्ट को गर्म किया जाता है उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर और जैसे ही ये थोरियम फिशन करना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली इसके अराउंड के सॉल्ट का जो टेम्परेचर है वो मोल्टन फॉर्म में ही बना रहता है और ये सॉल्ट एक दूसरे वाटर को हीट एक्सचेंजर में अपनी हीट ट्रांसफर कर देता है। तो बेसिकली इस तरह के मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर का यूज करने से जो आपका एक स्टेज है वो कम हो जाता है, अगर आप सिविलियन यूज को देख रहे हो। तो यहाँ पे मोल्टन सॉल्ट वाटर की जगह पे इसलिए यूज किया गया है, जैसा कि आप सब जानते होंगे जो सॉल्ट का नेचर होता है वो अधिक से अधिक हीट को अपने अंदर समाने का होता है, तो इसलिए अपने साथ वो मैक्सिमम हीट कैरी करते हैं और उसे ट्रांसफर करते हैं दूसरे वाटर को। तो यह सिविलियन यूज के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हो मिलिट्री में यूज के लिए या फिर क्रूज मिसाइल जैसे सिस्टम्स के लिए, तो उसमें क्या किया जाता है, ये जो आपके पाइप्स होते हैं ये पाइप्स आपके ग्रेफाइट के ही रहेंगे जो कि एज अ मॉडरेटर के रूप में काम करते हैं। तो बेसिकली ये पाइप्स क्या करते हैं, आपके जो भी न्यूट्रॉन्स होंगे उनको एंश्योर करेंगे कि वो बाकी के न्यूक्लियस से टकराए और जो आपका मोल्टन सॉल्ट है उसी में थोरियम को मिक्स कर दिया जाता है। अगर आप इसको मिलिट्री पर्पज के लिए देख रहे हो तो इन रिएक्टर्स में जो आपका मोल्टन सॉल्ट है उसी में थोरियम मिक्स है। तो जैसे ही आपने थोरियम को ऑलरेडी मोल्टन सॉल्ट में मिला दिया है तो इससे क्या होगा, जो आपके ग्रेफाइट के पाइप्स हैं वो बेसिकली एज अ मॉडरेटर के रूप में काम करेंगे और इस तरह से जो टेम्परेचर होगा वो काफी हायर रिसीव होगा और उतने हायर टेम्परेचर को इन्होंने क्या किया है, अगले स्टेज में जो भी आपका क्रिटिकल CO2 टर्बाइन है उसको ट्रांसफर किया है। तो बेसिकली जान लेते हैं कि क्रिटिकल CO2 होता क्या है। तो क्रिटिकल CO2 वो चीज है जहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन है, यानी कि उसको एक ऐसे टेम्परेचर या फिर प्रेशर पर रखा जाता है जो कि उसकी ओरिजिनल स्टेट नहीं होती है। मतलब CO2 को सॉलिड फॉर्म में स्टोर किया जाता है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफी क्रिटिकल है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक सर्टेन टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे सॉलिड फॉर्म में बना के रख लिया जाए। सो मान लो हमने CO2 को एक सॉलिड फॉर्म में स्टोर कर लिया है एक सेक्शन में, और उस सेक्शन में क्या करते हैं, जो भी आपका मोल्टन सॉल्ट से हीट आ रहा है उस हीट को प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपका CO2 है जो कि ड्राई आइस के रूप में स्टोर्ड है आपके एक सेक्शन में, तो वो ड्राई आइस मोल्टन सॉल्ट से टेम्परेचर पाके अपने ड्राई स्टेट को गैसीय स्टेट में चेंज करेगा और आगे की तरफ प्रोपेल होने लग जाएगा। जैसे ही ये CO2 अपने ड्राई आइस कंडीशन को छोड़ के गैसीय कंडीशन में कन्वर्ट होके एक पाइप के थ्रू आगे प्रोपेल होने लग जाता है, तो उसके बाद उस पाइप को कोरूगेटेड फॉर्म में यूज किया जाता है। मतलब उस प्रेशर को और हायर प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है और उस कन्वर्जन के बाद वो सारे CO2 टर्बाइन्स पे इंपैक्ट करते हैं और वो टर्बाइन्स रोटेट होते हैं, जिससे कि जो आपका पावर जनरेशन होता है। और उसके बाद जो CO2 है वो वापस से एक दूसरे सेक्शन में नाइट्रोजन की हेल्प से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाते हैं जहां से आए थे। तो ये इसका प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के यूज करने से, जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो CO2 होते हैं वो ज्यादा डेंस होते हैं स्टीम के कंपेयर में। इसका मतलब ये है कि 1 किलो स्टीम जो काम कर रही थी वही काम आपका 100 ग्राम CO2 करने में सक्षम है, जिसका डायरेक्टली मतलब ये है कि जो आपके इक्विपमेंट का साइज है वो अल्टीमेटली छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो CO2 की डेंसिटी है वो काफी हाई है, यानी कि मोर डेंसिटी मतलब
ज़्यादा एनर्जी अपने साथ कैरी करने में सक्षम होगा जो कि टर्बाइन तक पहुंचा सकेगा। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इन्वायरमेंट के CO2 को यूज़ करके एनर्जी बना रहे हो, और वहीं पे जो CO2 बेस्ड टर्बाइन होते हैं इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम आप फ्यूचर के जो भी न्यूक्लियर प्रोपेल्ड मिसाइल्स या सिस्टम्स होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेजर चैलेंज है जिसकी वजह से ये सिस्टम बस्ट कर सकता है वो दो कारणों की वजह से है। आपका जो पहला है, जो आपने मोल्टेन सॉल्ट में थोरियम मिक्स कर दिया है तो वहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगी उनका जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है वो होना चाहिए। और दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि जो भी आपका ड्राई आइस है उसका स्टेट दो बार चेंज करना वो एक मेजर चैलेंज है। तो कुछ ऐसे चैलेंज की वजह से ही इस तरह के सिस्टम के फटने के चांसेस होते हैं, जो कि रशियंस के साथ हुआ होगा लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी के काफी करीब है। अगर आप उन्हें अगले 5 से 7 साल देते हो सकता है इस टेक्नोलॉजी पे वो एक रिमार्केबल काम कर पाएंगे। जहां तक बात है इंडिया की, तो इंडिया भी अपना एक मोल्टन सॉल्ट बेस्ड थोरियम रिएक्टर डेवलप कर रहा है। फिलहाल वो अभी सिविलियन यूज के लिए है, लेकिन उसका जो मिनिएचराइजेशन है वो भी पॉसिबल है बाकी के मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर की तरह। और इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर के आधारशिला के रूप में देखा जा रहा है, जहां पे इसकी जो मिनिएचराइजेशन की पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।